हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्राची सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको सबसे पहले मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगी, अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2020 सबका बहुत खराब गया है, तो 2021 से बहुत ही ज्यादा होप्स है। होप सबका 2021 बहुत अच्छा जाए, बहुत लकी हो और बहुत सारी खुशियां लाए। अब ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड रेडी करेंगे। बैकग्राउंड पूरी तरह से रेडी करने के बाद मुझे लगा मैं कुछ बहुत ही ज्यादा बोरिंग तो नहीं कर रही हूँ, तो फिर मैंने इसे डार्क करने का सोचा। तो पूरे 2 घंटे बाद मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है और ये रही पेंटिंग। देखा मैं क्या बनाने जा रही थी और क्या बन गया। मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, पर कुछ तो बनाने जा रही थी, फिर अचानक से सूझा कि कुछ ऐसा बनाती हूँ। और देखो इसीलिए, और यही रीज़न है कि मैं कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बताती कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता होता कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। और पर फिर भी जो भी बनाया बहुत सुंदर बनाया। एक्चुअली इसको कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग मिथिला हमारे कल्चर की, बिहार की रीजनल पेंटिंग है। पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम में, लेडीज़ ये डिज़ाइन किया करती थी, ये आर्ट किया करती थी, ऐसा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं पता इस बारे में, पर मैं जानूंगी। और आई होप अभी अगर आप सबको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो, मेरा पेंटिंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी बनी है। और बस न्यू ईयर एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें फैमिली के साथ और खुश रहें। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, और बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और आप सबको दिखाऊं और आप सबको एंटरटेन करूं।
तो अभी मैं चलती हूँ, अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।